बहुत बड़ी खबर यह है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है G20 में, और ये बैठक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही शामिल कर लिया गया है। तो यानी ये पहले से ही G21 हो गया, और ये भारत के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है कूटनीतिक स्तर पर। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा और कैसे शामिल किया गया अफ्रीकन यूनियन को। आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया G20 में, भारत के लिए किस तरह से ये बड़ी जीत है इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। चीन क्यों ये नहीं चाह रहा था इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, पर अफ्रीकन यूनियन का आना विकासशील देशों में के अंदर भी भारत के जो 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 अहम रोल है, भारत का जो किरदार रहा है विकासशील देशों के साथ शुरू से, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये। देखिए बिल्कुल किशोर, और जिस तरीके से इस पर लगातार चर्चा चल रही थी और जो विशेषज्ञ हैं वो आपस में इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या इस बार G20 में इस पर सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, और प्रधानमंत्री की तरफ से साफ करना कि सबने अपनी सहमति से, आपसी सहमति से ये फैसला लिया है, और G20 को बाकायदा उनको बुला करके यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि को उनको शामिल किया गया, तो भारत का रुतबा इसमें बढ़ा है और पूरी तरीके से ये संदेश गया है कि भारत ये करवाने में कामयाब रहा है। और इसके पीछे के कई कूटनीतिक कारण भी हैं जिसके लिए भारत ये करवाना चाहता था और ये कोशिश में था कि चीन किसी तरीके से इसमें रोड़ा ना अटका पाए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें भारत को एक बड़ी जीत मिली है, और ये अब हमेशा याद रखा जाएगा कि G20 बनने के बाद जो पहला बड़ा बदलाव हुआ, एक अतिरिक्त मेंबर जुड़ा, वो भारत में G20 जब हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए इसको अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया गया। अब पहला सेशन शुरू हो रहा है अर्थ, और इस पहले सेशन की अहमियत क्या और इस पहले सेशन के बाद क्या होगा? देखिए किशोर, द अर्थ सेशन जो है, द अर्थ में मौजूदा जो समस्याएं हैं, हमारा घर कैसा हो कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी को, प्लेनेट को घर के तौर पे भारत ने देखा और उसी तरह से इस सेशन को रखा भी गया। तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी, अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया, 21 देश हो गए यूरोपियन, माफ कीजिएगा, G20 के 21 देश हो गए हैं, और अब जो है, जो एक मैं वर्ल्ड बैंक कह रहा था, मौजूदा जो हमारा घर कैसा, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया। जीत की बात कर रहे थे, दो इसमें महत्वपूर्ण चीजें मैं देखता हूँ, भारत ने एक पहल किया और सेशन में, इसका मतलब यह है कि शेरपा के ही स्तर पे बहुत अच्छा निगोशिएशन हुआ होगा, इसीलिए पहले ही ऐलान कर दिया गया सत्र के शुरुआत से पहले। और दूसरा यह कि आपको दो दिनों के सम्मेलन में अब यह झिझक नहीं करना पड़ा एक देश से या दूसरे देश से लीडर्स के लेवल पे कि आप भैया अफ्रीकन यूनियन को शामिल कीजिएगा या नहीं। एक बार थोड़ा सा किशोर अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम लोग अगर बता दें, 55 सदस्य देश है, 2001 में यह स्थापित हुआ था अदिस अबाबा जो इथियोपिया में है, उसके बाद लॉन्च हुआ 2002 में दक्षिण में, इसके दो हेडक्वार्टर टाइप के हैं, एक अदिस अबाबा और एक जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और इसका मोटो है कि अफ्रीका यूनाइटेड रहे, इस मोटो के साथ। तो बहुत गरीब देश है, साउथ अफ्रीका की मौजूदगी में, नाइजीरिया की मौजूदगी में, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, अतिथि देश के तौर पे नाइजीरिया है और साउथ अफ्रीका तो परमानेंट मेंबर है ही, तो बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। चीन को एक संदेश है, और प्रधानमंत्री के भाषण में आपने एक और संदेश भी देखा होगा, संकट बाकी चीजों का तो है, कोरोना के बाद विश्वास का संकट है, उसको दूर करने की भी जरूरत है, चीन की तरफ इशारा था। हालांकि इस तरह के मंचों को हम इस तरह से चर्चा करें या इस तरह से उसकी एनालिसिस करें, ये सही गलत अलग बात है, लेकिन इशारा चीन की तरफ। देखिए चीन के राष्ट्रपति का ना आना और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन का इसमें शामिल हो जाना और प्रधानमंत्री का ये बोलना कि कोरोना के बाद विश्वास का संकट भी है, तो ये साफ दर्शा रहा है कि क्योंकि ये आर्थिक मामलों पर ज्यादा यहाँ पर ये ग्रुपिंग है, तो इसमें चीन का अब तक जो 21वीं सदी में रोल रहा है उससे सारे देश जो हैं वो उस तरह से सहमत नहीं है जैसा चीन चाहता है। किशोर देखिए, चीन हमेशा ये चाहता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ उसकी तूती बोले, लेकिन भारत
ने जिस तरीके से कंटेन करना शुरू किया, खासतौर पर आर्थिक तौर पर भारत ने जिस तरीके से उसको एक तरह बांध दिया, जैसे कि कई सारे ऐप्स बंद कर दिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, और अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना मतलब वो देश जहां पर चीन उसी तरीके से कि हम आपको लोन दे देंगे, हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, हम आपके यहाँ रोड बना देंगे, ब्रिज बना देंगे, पोर्ट बना देंगे, ये करते करते वो घुस रहा था इन सभी देशों में। और फिर जब वो घुस जाता था तो फिर उनकी पूरी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर हो जाती थी। और ऐसा, और चीन ने एक तरह से वो ग्रांट दे के वाला रास्ता नहीं अपनाया। वो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा दे देता है उस देश को और फिर भूल जाता है, वो उस पैसे का दुगना वसूलता है। वो जो साहूकारी वाला जो साहूकारी वाला बात चल रही थी और वो सारे देश ये चाह रहे थे कि अगर हमें चीन के चंगुल से निकालना है तो फिर वर्ल्ड बैंक और IMF और इनको ऋण देने की जो प्रक्रिया है, इनको अपनी कुछ ऐसी करनी होगी जिससे उनको मदद मिल सके। और वो अब हो सकेगा क्योंकि अब वो शामिल हो गए हैं इस G20 में। अब ये देखना होगा कि वर्ल्ड बैंक और IMF को लेकर यहाँ पर क्या प्रस्ताव आता है, या उनके जो देने के प्रावधान है उनमें क्या बदलाव आता है।